Mother's birthday, 85th birthday. She passed away on 3rd June this year. She was staying with us for 15 years. 15 saal se saath mein thi, and she wanted to go back to Kolkata, and she went there and she passed away there. Because Kolkata was her place, you know, where she started. But this house, this Gauri Kunj, Kishore Sahab ka bangla, meri maa aur pita ji dono milke is ghar ke zameen ko khareeda tha way back in 1957. Those are all old memories. आज हम आए हैं यहाँ पर with her blessings, my mother's blessings. It's a new beginning for me. I hope whatever I'm going to talk, आप लोग समझ जाएंगे. I'm very excited because I have been associated with Mumbai Medley just now few weeks back, and I would like to do there are a lot of ideas. I think I should sit down and begin now. Thank you. आज के दिल की खास जैसे आपने बात बताई उसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं की आज मेरी माता जी का जन्मदिन है वो खास दिन है वो यहीं रहती थी तो मैंने आज मतलब इट वॉज अ वेरी शॉर्ट नोटिस इन द वे इन द सेंस आई स्पोक टू संजय फ्रॉम मुंबई मेडली के लेट्स डू समथिंग और एक ख़ास बात यह है कि मेरी जो कंपनी है कुमार ब्रदर्स म्यूजिक KBM जो कि आई लॉन्च्ड अबाउट 3-4-5 ईयर्स बैक बट टुडे आई वॉन्ट टू री लॉन्च इट इन अ वेरी व्हाट शुड आई से इन अ करेक्ट वे ऑन यूट्यूब चैनल इट विल हैव एक अलग चैनल बनाएंगे और उसके हकदार मैं ही हूँ इट्स माई कंपनी और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आई हैव अ पैशन फॉर कंपोजिंग तो वो मेरे अंदर है वो और मेरे काफ़ी कंपोजिशंस मेरे जो चैनल हैं अमित कुमार ऑफिशियल चैनल इट्स देयर ऑलरेडी बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट चैनल फॉर KBM विच इज़ गोइंग टू बी बूम एकदम शुड हिट द बुल्सआई एंड बहुत सारे आइडियाज़ हैं आई वुड लाइक टू शेयर इन KBM कुमार ब्रदर्स म्यूजिक माई अंडर माई म्यूजिक आई वुड लाइक द अदर ग्रेट आर्टिस्ट ऑल द रेप्यूटेड आर्टिस्ट आज जो हमारे सिंगर्स अगर वो भी मेरे साथ दिए और मेरे कॉम्पोजिशन में गाए तो बहुत इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक आई फील क्योंकि आज ज़माना है आज सिंगल्स का ज़माना है ठीक है सिंगल्स ही चलता है अभी तो CDs का ज़माना चला गया इट्स लाइक अ साइकिल यू नो तो वो भी एक है रास्ता है जो मैंने सोच रखा है कि अमित कुमार के कॉम्पोजिशंस में अगर कोई बड़े सिंगर गाए व्हाई नॉट आई एम नॉट अ बैड कंपोजर तो यही खास बात है तो KBM में हम क्या हम नए लोगों को भी देखेंगे ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ सेपरेट प्लेटफॉर्म Of course, I want newcomers, talented artists should come and sing. Of course, depending on my compositions, if they can really do wonders, they will get a chance on KBM, newcomers. आज के जो सिंगर, आज की जो ऑडियंसेस हैं, उनकी चॉइस गाने को लेकर बहुत ज़्यादा बदल गई है. तो जब हम बात करेंगे KBM की, तो किस तरीके का गाना आप कंपोज करेंगे, या फिर आज की ऑडियंस है, उनको दिमाग में रखते हुए गाना थ्री बेसिक एलिमेंट्स जो कि बहुत पौराणिक कहावत है कि देखिए मेलोडी हारमोनी एंड द लिरिकल वैल्यू हैज़ टू कम बैक KBM से हम तो उसी पे जोर देंगे दैट इज़ व्हाट आई बिलीव बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल मैं जिनके साथ मेरा सौभाग्य है मैं जिन जिन संगीतकारों के साथ काम किया है सब अपने अपनी जगह में मशहूर थे
लीव असाइड माई फादर, उनसे तो सब सीखा मैंने, लेकिन उसके बावजूद आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, यू नो, ये सब जितने भी थे उस जमाने के, जिनके साथ मैं काफ़ी, शंकर जय किशन ऑल्सो, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई यूज्ड टू गो विद माय फादर, तो उनसे देख देख के मेरे अंदर जो एक बेसिक चीज़ जो मैंने सीखा है कि गो फॉर मेलोडी. और आई थैंक माई पेरेंट्स, माई माँ एंड माई फादर, हमेशा दोनों ने मुझे शुरू से दे मेरिड अ पॉइंट दैट के डोंट लीन ऑन ऑल द टाइम टूवर्ड्स बॉलीवुड और हॉलीवुड, थोड़ा सा अच्छा संगीत सीखने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ, वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, अपना पॉप पॉप टाइप ऑफ, ये रॉक रॉक, तो ये मेरे अंदर, बिकॉज आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट एंड ऑफकोर्स माई एसोसिएशन विद ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. और मैं समझता हूँ कि देखिए आज के तारीख में जैसा चल रहा है फिल्मों में, ओके, दैट हैज़ अ प्लेस विच इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, अच्छे गाने भी बन रहे हैं और दूसरे किस्म के गाने भी बन रहे हैं, तो दैट हैज़ टू चेंज आई फील. तो KBM विल ऑलवेज बी, क्या कहूँ मैं, अपना ढोल नहीं पीटना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट. जी बिल्कुल, वीडियो तो बनेंगे, आज तो वीडियो, आज तो गाना कोई ज्यादा सुनते नहीं है, सब चेहरा देखना चाहते हैं, सॉन्ग विद यू नो, हाँ, तो मैं तो हूँ, और जो जो सिंगर्स गाएंगे मेरे साथ, वेदर इट विल बी अ फीमेल और अ मेल, उन पर पिक्चराइज करेंगे हम, तो एक चलता रहेगा, एक यू नो, दिस इज मेनली फॉर माई पैशन आई एम डूइंग इट, एंड प्लस आई वॉन्ट KBM शुड कम, एंड वाई नॉट इन फिल्म ऑल्सो, इफ एनी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर कम्स एंड अप्रोचेस मी और मुंबई मेडली फॉर KBM, आई विल सर्टनली डू इट, बट आई वॉट आई, मेरा मेन उद्देश्य है कि कॉम्पोजिशन शुडन बी करप्टेड, जो हो जाता है, अभी मैं थोड़ा सा ब्लंट किस्म का आदमी हूँ, आई डोंट माइंड सेइंग इट, बिकॉज देर आर सम रिकॉर्डिंग कंपनीज जो कि मैं समझता हूँ आर वेरी अनम्यूजिकल, दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन वो बिगाड़ रहे हैं हमारे जो एक स्टैंडर्ड है उसको सत्यानाश कर रहे हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड. That's a commercial, yeah, they're doing it for the commercial purpose. और वो करना ही पड़ रहा है, देखिए उनको पुराने गाने लेना पड़ रहा है, why? Because the पुराने गाने में दम था, there was a weight, they're coming back again to, they have to take that. मैं जब stage shows करता हूँ आज भी, तो मुझे अपने खुद के गाने गाने पड़ते हैं, जो कि definitely, thank God, that had, कुछ गाने थे जिसमें melodies were there. And plus I have to sing my father's songs which are full of melodies, so that to wo cheez to I cannot ignore, no one can ignore. To aaj jo filmon mein ho raha hai, remix ho raha hai, they are going back, they are taking wahi gaane kar rahe hain, jaisa ki for instance mera gana Laila O Laila has been done, so many songs. वो कौन से पिक्चर का था, मैंने नहीं सुना. अच्छा अच्छा, मैंने सुना नहीं. दैट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग. अमित सर, क्या यही कोशिश है, इसी वजह से आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वो मेलोडी नहीं रही है कहीं गानों का, संगीत वो शोर ज्यादा हो गया है. ये देखिए, यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, एनीवे पॉइंट इज, पहली बात है, रीमिक्स ऐसी चीज है ना जो कि मुझे, आई कैन नॉट टेक इट. Even Mr. R.D. Barman used to ignore remix, but he was the first person jinke dimag mein aaya tha, aaj bhi mujhe yaad hai, us waqt unhone kaha tha, because his thinking was ahead of time.
उन्होंने कहा था कि देखो अभी हम लोगों का जो टाइम है, वक्त थोड़ा हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, एजिंग और द यंगर जनरेशन इज अप्रोचिंग, सो हमारे जो गाने हैं, हिट गाने किशोरदा के हैं, रफ़ी साहब के हैं, लता भाई के हैं, मेरा भी है, सबका है, इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर वे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. आप याद कीजिए उस वक्त वो गाना था अपना चुरा लिया है, दैट वॉज फर्स्ट रिमिक्स्ड बाय आर डी बर्मन, आई थिंक द जेंटलमैन फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही कोलैबोरेटेड विद पंचमदा एंड दे डिड दैट सॉन्ग. तो ही वॉज द स्टार्टर. तब हमको समझ में नहीं आया था, हम बोल रहे थे क्या बोल रहे पंचम, इवन आई आर्ग्यूड विद हिम, बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ओरिजिनलिटी इज ओरिजिनलिटी, बोला नहीं तू नहीं समझता है, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी दैट, वही हो रहा है आज, वही हो रहा है व्हाट ही थॉट इयर्स अगो दैट इज हैपनिंग, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा क्रूड वे में हो रहा है. इट शुड बी मिठास लाना बहुत जरूरी, मिठास, दैट इज लाइक KBM इज ऑन द फोर फ्रंट. KBM इज गोइंग टू गिव एज मच as of melody oriented songs, lyrical value honi thi, poetry has to come back. We have great poets today, Prasoon Joshi is there, Javed Akhtar sahab is there, Sameer ji hai, aur bhi hai, Sudhakar Sharma hai, aur mere ghar mein ek poetess baithi hui hai, Mrs. Kishore Kumar Leena Chandavarkar Ganguly, she is a fantastic poet, she is writing all my songs and KBM she has written. So my point is we have to get back the melody again. Abhi mera ek gana release ho raha hai on 25th of December from KBM, we are releasing, it's a romantic song, it's my music, it's already recorded, I've got 20 songs which is recorded, 20 gaane ready hai, mujhe abhi sochna hai kya karna hai, mujhe I'm really thinking, all different kind of songs, melody फिलोसॉफिकल भी है, देशभक्त एक दो गाने हैं, रोमांटिक तो है ही. तो ये जो गाना है ये 25 को रिलीज होने वाला है, इसमें इट्स गोइंग टू पिक्चराइज ऑन मी ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव संग दैट सॉन्ग एंड इट्स बीन रिटन बाय सुधाकर शर्मा. तो ये नो इट्स ओके. क्या ब्रीफ था जब लिखा गया गाना, क्योंकि रोमांटिक गाना है, कंपोजिशन आप खुद कर रहे हैं, क्या ब्रीफ था, कुछ डिस्कशन था आपका? मेरे जितने गाने हैं ना, आप लोग जब सुनेंगे ना, आपको लगेगा, मैं अगेन मैं अपने ढोल नहीं पीट रहा हूँ, आप जब सुनेंगे, जो भी म्यूजिकली समझदार लोग हैं वो समझेंगे, अरे ये तो पिक्चर का गाना है, दिस इज अ सॉन्ग इन अ सिचुएशनल सॉन्ग. और अनफॉर्चुनेटली मैं आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ये जो कंपोजिशन मैं करता था, आई हैव डन मेनी कंपोजिशंस इन द पास्ट, मेरा एक एल्बम निकला था मैड करके एंड ओ स्वीट हार्ट, वो सब चली नहीं, आया गया, लेकिन आप गाना सुनिए उसके, इट्स ब्यूटीफुल. वो टाइम था नहीं, और मैं उस वक्त एक रिकॉर्डिंग कंपनी के पास गया था मेरे खुद के कंपोजिशंस लेके, और मैंने उनको सुनाया था, उन्होंने कहा था दिस वोंट वर्क. तो वही कंपोजिशंस आज KBM रिलीज कर रहा है, इट इज गोइंग टू वर्क. Thank you. So something out of the box, Lata ji is not feeling well. My association with the Mangeshkar sisters is bahut purani baat hai. She has seen me as a baby, both the sisters, and I wish her speedy recovery. Maine already ek interview de chuka hu main in Spot Boy about her, it's on ye, though I have not been there and met her, because I don't want to disturb her. I've sung a lot of songs with her, and her association with my father was from the beginning. When my father was struggling, both of them used to travel by train from Grant Road to Malad, Bombay Talkies. So those were the days, you know, which my father used to tell me, and even Lata ji, and I've heard a lot from Asha ji also. I wish her speedy recovery. There will never be another Lata Mangeshkar. That's all I can say. Thank you so much. ठीक बोल रहा हमने कि अरे वो आ जाओ आइडियाज़.
I think I should sit down and yes, begin our journey. Yes. Thank you. Yes. खास दिन है वो यहीं रहती थी मेरे साथ द लास्ट इयर्स शी स्पेंट विद मी हियर 15 इयर्स और इसी साल थर्ड जो वो आज मतलब इट वाज अ वेरी शॉर्ट नोटिस इन द वे इन द सेंस आई स्पोक टू संजय फ्रॉम मुंबई मल्टी के लिए समथिंग और एक खास बात ये है कि मेरी जो कंपनी है कुमार ब्रदर्स म्यूजिक KBM जो कि आई लॉन्च्ड अबाउट 3-4-5 इयर्स बैक But today I want to relaunch it on YouTube channel. It will have एक अलग channel बनाएंगे और उसके अवतार मैं ही हूँ, it's my company. और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि I have a passion for composing. तो वो मेरे अंदर है वो और मेरे काफी compositions मेरे जो channel हैं अमित कुमार official channel is there already. But this time we are going to have several Bullseye and बहुत सारे ideas हैं I would like to share in KBM Kumar Brothers music my under my music I would like the other great artists गाएं तो बहुत एक it's going to be fantastic आज की जो singer आज की जो audiences हैं उनकी चुना आप compose करेंगे या फिर आज की audience हैं उनको दिमाग में रखते हुए गाना compose किया जाएगा थ्री बेसिक एलिमेंट्स जो कि बहुत पुरानी कहावत है कि देखिए मेलोडी हारमोनी एंड द लिरिकल वैल्यू हैज टू कम बैक KBM से हम तो उसी पे जोर देंगे दैट्स व्हाट आई बिलीव बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल मैं जिनके साथ मेरा सौभाग्य है मैं जिन जिन संगीतकारों के साथ काम किया है सब अपने अपने जगह में मशहूर थे ओके दैट हैज अ प्लेस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड अच्छे गाने भी बन रहे हैं और दूसरे किस्म के गाने भी बन रहे हैं तो दैट हैज टू चेंज आई फील तो KBM विल ऑलवेज बी क्या कहूँ मैं अपना ढोल नहीं पीटना चाहता हूँ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट ओके अमित सर क्या